बागेश्वर में किन्नरों का इलाका 2.5 करोड़ रुपए में बेचे जाने का मामला यहां चर्चा का विषय बना हुआ है। 2.5 करोड़ की राशि तथा चेक सौंपने के वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं। यहां बता दें कि थाने के समीप गोमती नदी के तट पर किन्नरों का निवास स्थान बताया जाता है। इस बीच चर्चा थी कि देहरादून से कुछ किन्नर बागेश्वर आकर यहाँ इलाके तथा जमीन का सौदा कर रहे हैं। इस बीच इलाका 2.5 करोड़ रुपए में बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ राशि नकद में तथा कुछ राशि के चेक कविता देवी नामक महिला को प्रदान किए जा रहे हैं। हालांकि इस सौदे पर कुछ किन्नरों ने सवाल उठाते हुए पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र भी सौंपा है। पुलिस भी इस पूरे मामले के जांच में जुट गई है। इस कथित सौदे के बाद विभिन्न संगठनों ने कई सवाल उठाए हैं, आखिर इतनी बड़ी राशि का यह कैसा सौदा है। साथ ही जो किन्नर इतनी बड़ी राशि खर्च कर इलाका खरीद रहे हैं वो अब जनता से कितनी राशि वसूलेंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सभी सवालों का जवाब जनता तलाश रही है। कविता जोशी, रजनी रावत, देहरादून वाली को अच्छे से अपने अपने होश हवास से, किसी के दबाव से नहीं, किसी की धमकी से नहीं, अपने मर्जी से अपनी रजनी रावत को इलाका बेच दी हूँ। 2.5 करोड़ रुपए में। 2.5 करोड़। तू कविता रानी, ये पगड़ो तुम्हारे पैसे पगड़ो, और ये पगड़ो तुम्हारे पैसे, और एक चेक ये पगड़ो पगड़ते रहो आप, एक चेक ये पगड़ो और एक चेक ये पगड़ो, एक चेक ये पगड़ो, एक चेक अब ये पगड़ो, ये चेक अब पगड़ो, पूरा ये 6 चेक है। और मेरी कविता बेटी, तुझे भी लीना खाप ने बरकत करे, तू धन्य बात हो, एक औरत भोके पूरी गली घाट संभाल के रही थी, तू जीता रे राजी रे मेरी बच्ची, तू बने रहे, समझ गई बेटा, तू राजी रे। काय खटी में कागज देखा जो की जरूरत पड़ते, यहाँ जो मेरा चेक का पैसा देना था वो मैं चेक का पैसा दे चुकी हूँ, ये नगद केस है मेरा, ये नगद केस है। कविता सही है बाबू, सही है ना, कोई गलत तो नहीं है, सही है ना। लो जी, तू राजी रे बेटी, जीता रे, तुझे लीना भावना बरकत करे। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।